हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कुछ अपने अनुभव और कुछ परमेश्वर के सामर्थी वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। ही इज़ द ऑथर, ही इज़ अ फिनिशर, और सब कुछ बातों में पूरा करने वाला परमेश्वर ही है, और सब कुछ उसके हाथ में ही है, और कुछ भी उससे छिपा नहीं है। ही इज़ नॉट गॉड हु इज़ अननोन, कि क्या चल रहा है संसार में, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उससे छिपा है। तो मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक यू फर्दर फॉर अ स्मॉल स्टडी। सबसे बड़ी बात है कि आपको और मुझे परमेश्वर के स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी है। वी शुड नो गॉड्स कैरेक्टर, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव को जानकर ही हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की इच्छा दोनों साथ साथ हैं, तो हमें जानना है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो इन दोनों जो पूरे संसार में जो महामारी चल रही है और समस्या चल रही है, और मुझे विश्वास है कि इन सब चीज़ों पे परमेश्वर, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग गॉड, इज़ नॉट अ डेड गॉड, उसको भी पता है कि क्या हो रहा है और इसका समाधान क्या है। तो तीन बातें हमें परमेश्वर के बारे में जाननी है, थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमें परमेश्वर के बारे में जाननी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के विषय में गलत राय रखना या गलत इमेज बनाना, परमेश्वर के विषय में गलत पहचान रखना एक पाप है। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 21 में लिखा है, You thought that I was just like you. क्या तुम जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा हूँ? नहीं, परमेश्वर वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। परमेश्वर वैसा है जैसा वो है। हमारे सोचने से हम उसके अंदर कुछ भी बड़ा घटा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर वैसा नहीं है, दाऊद कहता है, जैसा हम सोचते हैं वो परमेश्वर वैसा है जैसा है। इस बात को हमें जानना होगा, और सब कुछ उसके हाथ में। सामर्थी परमेश्वर, मैं हमेशा इस बात का प्रचार करता हूँ, गॉड हु क्रिएटेड Heavens and earth. He is author. He not only create. तो ये सब जो परमेश्वर हम दुनिया में देख रहे हैं, क्या परमेश्वर नहीं है? और एक बहुत अच्छी बुक है, Why Suffering, ये डॉक्टर रवि जकरिया की बुक है, Why Suffering, How Evil, you know, a loving God can allow evil and suffering. परमेश्वर जो प्रेम करता है वो कैसे हमारे जीवन में बुराइयों को या बीमारियों को कैसे अलाउ कर सकता है? How can a loving God? It's a very important question. आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो फिर इसके बीच में सारी बुराइयां और ये सब चीज़ें कैसे आ जाती हैं? तो हमें इसे जानना है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, तो पहले दिन परमेश्वर ने मनुष्य से बात की और उसको बता दिया क्या सही है और क्या गलत है, और वो सब स्टोरी हम जानते हैं, डिसोबे का हम सब स्टोरी जानते हैं। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में परमेश्वर के आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर पवित्र है। जो परमेश्वर की पवित्रता है वो परमेश्वर के क्राउन के जैसे है। जैसे एक क्राउन, एक किंग के ऊपर जब हम देखते हैं, क्राउन होता है उसके ऊपर, एक ताज होता है ना, ताज जो ऊपर लगाते हैं, तो परमेश्वर की जो पवित्रता है वो बहुत महान है और उसका नाम पवित्र है। इसलिए आयजा चैप्टर 57:15 में लिखा हुआ है, यशाया 57:15 में लिखा है, उसका नाम पवित्र है और वो पवित्र स्थान में रहता है। ये हमेशा याद रखिए, ये बात हमेशा आपको याद रखने की, गॉड इज होली एंड ही ड्वेल्स इन अ होली प्लेस, पवित्र है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 15:4 में भी लिखा है, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सब जातियां तेरे सामने दंडवत करेंगी। केवल परमेश्वर ही पवित्र है। इसलिए बहुत सारे बाइबल के वर्सेस हैं, मैं पढ़ सकता हूँ कुछ, आयजाया चैप्टर 6:3 जो मेरा फेवरेट है, जब स्वर्गदूत परमेश्वर को पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र कहकर बुला रहे हैं। और भी बहुत सारे बाइबल के वर्सेस हैं। लेवी व्यवस्था में 22:32 में लिखा है कि प्रभु ने कहा, मेरा नाम पवित्र है और उसे अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा परमेश्वर। वो स्वयं पवित्र है और हमें भी वो पवित्र करता है। तो हमेशा याद रखें कि ये परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का स्वभाव है, एंड वी कैनॉट प्ले विद गॉड्स होलीनेस। हम परमेश्वर की पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और इसको हमें समझना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। लिखा है पहला योना 3:20 में, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। जो कुछ हो रहा है इस संसार में परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर को किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, या कोई परमेश्वर को जाके बताए कि प्रभु ऐसा हो रहा है और उसे कोई याद दिलाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ही इज ए ऑनलाइन गॉड, वो सब जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसको किसी की काउंसलिंग की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये हमेशा याद रखें। भजन संहिता 147:5 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। अति सामर्थ्य परमेश्वर है, अति महान परमेश्वर है। ही इज ए माइटी गॉड, ही इज ए ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनीशियंट गॉड, एंड ही इज ए होली गॉड। ही नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानता है।
और भी बहुत सारे हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सर्वशक्तिमान। उत्पत्ति की पुस्तक में व्यवस्था विवरण में पहला इतिहास 29:11 में सब जगह लिखा है, उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। व्यवस्था विवरण 10:14 में भी लिखा है कि सुन, परमेश्वर सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, अर्थात जो गैलेक्सी है, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। तो जो कुछ यहाँ हो रहा है, इस पृथ्वी पर हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर जान रहा है, देख रहा है। तो आपका सवाल हो सकता है कि अगर परमेश्वर सब कुछ देख रहा है तो परमेश्वर इस ईविल को, इस बुराई को, इस समस्या को क्यों अलाउ कर रहा है? तो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एक घटना याद आती है, इस घटना को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो पूर्वज हैं, हम लोग आगरा शहर से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर रेलवे में काम करते थे, तो इसलिए हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो एक रेलवे कॉलोनी में हुई। तो हमारे घर के पास में एक रेलवे फाटक था और वहाँ से हमेशा ट्रेन निकलती थी। तो ट्रेन जो है वो निकलती थी, तो हम छोटे जो बच्चे थे, करीब 8 साल के बच्चे, 10 साल के जो बच्चे होते हैं, वो सब मस्ती करते हैं, खेलते हैं ना, आपको पता है। तो अक्सर हम लोग शाम के समय में रेलवे ट्रैक पर, फाटक पर चले जाते थे, और हम क्या करते थे, हम रेलवे ट्रैक की जो पटरी होती थी उसके ऊपर हम पत्थर रखते थे, बड़ा मज़ा आता था, और ट्रेन उसके ऊपर से निकलती थी और वो पत्थर जो थे वो बिल्कुल चूरा बन जाता था। कई बार हम उसमें सिक्का भी रखते थे, तो सिक्का जब ट्रेन उसके ऊपर से निकलती थी तो वो सिक्का जो है वो मेल्ट हो जाता था, बड़ा सा हो जाता था, समथिंग लाइक दैट। एक दिन क्या हुआ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम कुछ बच्चे जो थे, उस दिन हम लोगों ने प्लान किया कि हम ट्रेन के ऊपर पत्थर मारेंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, आप समझते हैं ना। तो उन्होंने, हमने डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलकर चलती हुई ट्रेन को पत्थर मारेंगे, और यही हुआ कि हम सब लोग नटखट थे, मजा मस्ती कर रहे थे, और हम लोगों ने ट्रेन को पत्थर मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही ट्रेन में पत्थर जाकर जोर से लगता तो बड़ी आवाज़ आती, धाड़ से आवाज़ आती, और हम बड़ा खुश हो जाते कि देखो हमें कितना बड़ा अचीवमेंट मिल गया। सो वी यूज टू एन्जॉय, यू नो, बाई थ्रोइंग स्टोन्स ऑन रनिंग ट्रेन, फास्ट मूविंग ट्रेन्स। तो क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि एक बच्चा था, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और जोर से ट्रेन को मारा, और वो पत्थर ट्रेन में जाके लगा, और आप समझते हैं ना, साइंस जो लोग पढ़ते हैं, फोर्स, तो फोर्स के साथ में वो पत्थर लगा, और फोर्स के साथ में वो पत्थर वापस आया। वो हो सकता है छोटा टुकड़ा टूट के आया हो या क्या, पूरा पत्थर लौट के आया, लेकिन एक पत्थर लौट कर वापस आया, और उसने हम में से एक बच्चा जो आगे खड़ा हुआ था उसके सर पर यहाँ पे उसको हिट किया, बहुत तेज हिट किया, और वो ब्लीडिंग होने लगी, बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगी, और वो ज़मीन पर गिर गया। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब डर गए, अरे ये तो क्या हो गया, हम लोग ऐसा तो नहीं हमने सोचा था। फिर जल्दी से कुछ लोग आए, उसको लोग हॉस्पिटल ले गए। तो आप इस घटना से क्या समझे, ये जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रेन पर हमने पत्थर मारा और वो पत्थर वापस लौट कर आया और सर में लगा और खून निकलने लगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि ट्रेन का पर्पस क्या है, कैरेक्टर ऑफ ट्रेन हम सब जानते हैं। कैरेक्टर ऑफ ट्रेन यह है कि हम ट्रेन में आराम से बैठें और अपनी यात्रा को पूरा करें, ना कि वहाँ पर पटरी पर हम खेलें और मज़ा करें और इन्जॉय करें और हा हा करें और ट्रेन के ऊपर पत्थर मारें। आप कल्पना कीजिए कि वो ट्रेन कितनी बड़ी है और वो क्या कर सकती है, अगर वो कोई उसकी चपेट में आ जाए तो क्या हो सकता है। सो द पर्पज़ ऑफ ट्रेन इज़ टू कैरी यू, इज जस्ट ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप उसमें आराम से बैठें, आप सुरक्षित हैं, आपकी यात्रा पूरी होगी, ना कि आप ट्रेन पर पत्थर मारें, आप ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं। सो यू आर प्लेइंग विद द कैरेक्टर ऑफ ट्रेन, पर्पज ऑफ ट्रेन, आप ट्रेन के पर्पज के साथ खेल रहे हैं। यहीं से आपको सब कुछ समझना है। हम परमेश्वर के कैरेक्टर को जब पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तो हम परमेश्वर की पवित्रता के साथ कैसे खेल सकते हैं, हाउ वी कैन प्ले विद द कैरेक्टर, द स्पेशल कैरेक्टर, व्हाट इज दिस क्राउन, जो परमेश्वर का क्राउन है, हम उसके संग कैसे खेल सकते हैं। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि हम परमेश्वर की कैरेक्टर के साथ में, जो होलीनेस है उसके साथ में, हम कैसे खेलते हैं। तो मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो आई विल अप्रिशिएट कि आप निकालें और थोड़ा सा कोशिश करें, देखें, प्रभु आपको ज़रूर मदद करेंगे। देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर मनुष्य की रचना को जानता था और सब बातें परमेश्वर को छिपा नहीं था, जैसे मैंने बताया, इज ऑल नोइंग गॉड। तो अगर आप लेव व्यवस्था पढ़ेंगे और लेव व्यवस्था का अगर आप 19 अध्याय पढ़ें और 21 अध्याय का 11 पद से मैं कुछ कुछ पद आपके लिए पढ़ रहा हूँ,
या लिखा है तुम चोरी ना करना, ये परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से कपट ना करना और ना झूठ बोलना। आगे लिखा है तुम मेरे नाम से झूठी शपथ खाके परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना करना। देखिए परमेश्वर की झूठी शपथ खाके परमेश्वर के नाम को अपवित्र, देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे नाम को अपवित्र नहीं करना और कपट नहीं करना, चोरी नहीं करना, एक दूसरे के साथ बुराई नहीं करना। और लय व्यवस्था 19:13 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, लिखा है एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूटना। और लिखा है मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। अर्थात अगर कोई मजदूर है, कोई गरीब है और वो आपके साथ काम करता है, आपकी कंपनी में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, आपके लिए काम करता है, तो उसकी जो मजदूरी है वो आप उसे शाम तक दे दें। ये परमेश्वर मनुष्य को चिता रहा है, परमेश्वर मनुष्य को सिखा रहा है। और लिखा है कि जो बहरे हैं या अंधे हैं उनको आप श्राप ना दें और परमेश्वर का भय मानना। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे। लिखा है न्याय करने में कुटिलता ना करना। अब हम सब जानते हैं कि न्याय करने में कुटिलता हो रही है या नहीं हो रही है, संसार में किस तरह से न्याय हो रहा है, ये सब हम सब जानते हैं, मुझे इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और लिखा है ना किसी का पक्ष करना, ना कंगाल का पक्ष करना, ना किसी बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना। कई बार क्या करते हैं हम लोग, अपना न्याय जो है, अपना थॉट जो है वो बदल देते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं किसी बड़े मनुष्य, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा मंत्री है या कोई ऐसा व्यक्ति, तो हम उसके उसके पाले में चले जाते हैं कि देखो भाई ये बड़ा आदमी है और हम इसके सानिध्य में रहना चाहते हैं और इसके साथ जो ये बोलेगा वो होगा, तो हम ऐसा करके अपने पक्ष को बदल देते हैं। यही परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसा ना करना। और देखिए लिखा है तुम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को ना मानना। देखिए यही तो हो रहा है, हम परमेश्वर की महिमा के साथ, परमेश्वर की ग्लोरी के संग कैसे खेल रहे हैं। लिखा है कि तुम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को ना मानना। ये मुहूर्त कहां से आ जाते हैं, कौन इन्हें बनाता है, क्या मनुष्य परमेश्वर से बड़ा है जो वो समय बताएगा मुहूर्त। ये परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं। यहां तक कि मैंने कई क्रिश्चियंस को, कई बिलीवर्स को भी देखा है शुभ और अशुभ मुहूर्त मानते हुए, तो ये परमेश्वर सब मना कर रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है जिसे हम बड़ी आसानी से टाल के निकल जाते हैं। 32 को पढ़ें, 32 को अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़े, 32 को पढ़ें। कोई पके बाल वाला, अगर किसी के बाल सफेद है तो लिखा है उसके सामने आप खड़े हो जाएं, उसके सामने आप खड़े हो जाओ, उसे आदर दें, बूढ़ों का आदर मान करें और परमेश्वर का भय माने। ये सब बातें परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हो, हम करें, हम इन बातों को करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये जो बातें परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, हम इन्हीं बातों को तोड़ते हैं। अर्थात हम परमेश्वर की महिमा के साथ, उसकी ओबीडियंस के जो उसने हमें बताया है, हम उसके संग खेलते हैं, प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया कि हम प्ले करते उसके सामने ना, तो मुझे एक घटना याद आती है। मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था, अमेरिका में था, और एक स्टिकर लगाया हुआ था, फ्लाइंग इज ए सीरियस मैटर, काइंडली ओबे द रूल्स रेगुलेशन। जो उड़ान है वो एक बहुत ही, जो जहाज जब हवा में उड़ता है तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर ना, आप जो रूल्स उसमें बताए गए हैं वो आप फॉलो करें। अर्थात आप बैठे रहें, आप ये नहीं कि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है तो आप चलें या फिर खड़े हो जाएं। जब आप रूल्स तोड़ते हैं, जब आप डिसोबे करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पीछे आता है। अभी हमने देखा हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, करीब 7-8 साल के बाद एक माँ को न्याय मिला। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि जो परमेश्वर का न्याय है वो हमारे पीछे आता है, जो परमेश्वर का राइचियसनेस है वो हमारे पीछे आएगा। परमेश्वर किसी भी सिन को पास नहीं होने देगा, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो जब फ्लाइट में मैंने उस स्टिकर को देखा, मैं सोचने लगा, लिखा है कि फ्लाइंग इज ए सीरियस मैटर, काइंडली ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल अच्छी बात है, आप हवा में हैं, 30,000 फीट पर ऊंचाई पर हैं और आप वहाँ मस्ती नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। वहाँ जो एयरलाइंस के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मानना बहुत ज़रूरी है, उस मैनुअल को मानना बहुत ज़रूरी है। और इसके इसका एक रिजल्ट मुझे याद आता है, जनरली हम लोग सीट बेल्ट, जो गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं वो हम क्यों लगाते हैं, हम सब जानते हैं कि हम पुलिस से बचने के लिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं। कई लोग इग्नोर करते हैं या खासतौर पे जवान बच्चे वो नहीं लगाना चाहते। मुझे याद है जब नई नई गाड़ी मैंने भी खरीदी तो मुझे इरिटेशन होती थी सीट बेल्ट लगाने में, मुझे अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था मुझे किसी ने बांध दिया। लेकिन मुझे याद है एक बार मैं जब जयपुर से आगरा हाईवे पे था और मैं अच्छी एक करीब 70-80 की स्पीड पे अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक एक महिला जो वो मेरे सामने आ गई।
और उसके सर पर लकड़ी का जो गट्ठर होता है, जो आपको पता है जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो जो काट कर धान और वो सब लेके जाती हैं, तो वो लेके जा रही थी। उसने सड़क में ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, और वो अचानक सड़क में सामने आ गई। जैसे वो सामने आई तो मैं तो आप सोचिए कि मैं अगर 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ और बिल्कुल अचानक आपके सामने कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो मुझे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, और पहली बार द वेरी फर्स्ट टाइम आई रियलाइज व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सीट बेल्ट। वो जो सीट बेल्ट आपकी गाड़ी में लगी है उसका एक पर्पज है। और पहली बार मुझे पता चला कि इतनी जोर से मुझे झटका लगा कि मैं आगे तो आया लेकिन सीट बेल्ट की वजह से मैं बच गया। अर्थात अगर वो कंपनी आपको एक गाड़ी में वो एक फीचर दे रही है, आप समझिए इस बात को, लॉजिकली समझिए। हम लोग इस संसार में रहते हैं, इसको हमको लॉजिकली भी समझना है, स्पिरिचुअली भी समझना है कि उस कंपनी ने वो सीट बेल्ट आपको यूं ही कोई मजा मस्ती करने के लिए नहीं दे दिया कि आप उसके संग प्ले करें, बट इट इज फॉर योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए है। तो पहली बार मुझे पता चला कि सीट बेल्ट सच में ये कोई एक मजाक नहीं है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन से मैं उस चीज को अप्रिशिएट करने लगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपको मैं वापस वचन में ले जाऊंगा और ले जाना चाहता हूं कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। मैं एक वचन आपके सामने अगर पढ़ना चाहता हूं, यहां लिखा है व्यवस्था विवरण और 10:14 में लिखा है, सुन सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है। आप परमेश्वर की दुनिया में रह रहे हैं, ये परमेश्वर की पृथ्वी, दिस अर्थ बिलोंग्स टू गॉड, ही इज द क्रिएटर, ही इज द ओनर, ही इज द सस्टेनर। हम सब यहाँ पर एक अच्छे स्टूवर्ड्स की तरह रह रहे हैं और रह सकते हैं, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन परमेश्वर ने हमारे लिए दिए, चाहे वो कोई भी हो, अभी हम बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहे, हम छोटी छोटी बातों की बात कर रहे हैं। जैसे लिखा है कि पके बाल वालों के सामने खड़े हो जाएं, हम बूढ़ों का आदर करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को माने। देखिए अब मैं थोड़ा आपको सीरियस ले जाना चाहता हूं। लय व्यवस्था 20 अगर आप पढ़ें, निकाल लीजिए अगर आपके पास बाइबल है, लय व्यवस्था 20, लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 6 लिखा है, जो प्राणी ओझाओं के पास, ओझा समझते हैं ना जो जादू टोना करते हैं, या भूत साधनाओं करने वालों की ओर फिरके उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उन प्राणी के विरुद्ध में होकर उनको उनमें उसे लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। देखिए परमेश्वर कह रहा है, दिस इज गॉड्स वर्ड, ये कोई कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, परमेश्वर की आवाज है। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र हूं, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं पवित्र करने वाला यहोवा हूं। मेरी विधियों को मानना और मेरी बताई हुई जो प्रभु की इच्छा है, जो नियम है, उसमें चलना। हम नियम तोड़ने में एक्सपर्ट लोग हैं, हम नियम तोड़ना चाहते क्योंकि उसको नियम को तोड़ने में, लॉ को तोड़ने में बड़ा लोगों को एंजॉय आता है, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम नियम आज तोड़ रहे हैं लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पीछे आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस पीछे आएगा। और आपको जानना होगा कि ये आपको, जैसे मैंने कहा कि आप परमेश्वर की पृथ्वी पर हैं, दिस अर्थ बिलोंग्स टू गॉड। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1994 में, 1994 में, इस कहानी को ध्यान से सुनिए, एक जवान लड़का था जिसका नाम था माइकल पीटर फे। ये एक अमेरिकन लड़का था, जवान लड़का था, 19 साल का आई गेस। ये बड़ा, इसने क्या किया, ये सिंगापुर आया था एज ए टूरिस्ट, सिंगापुर आया था, और सिंगापुर में ये थोड़ा मस्ती कर रहा था, और इसके हाथ में एक पेंट स्प्रे था, और इसने गाड़ियों पर पेंट कर दिया, दीवारों पर पेंट कर दिया, जैसे मस्ती में ना। ही वॉज ए टूरिस्ट इन सिंगापुर, बट ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। तब क्या हुआ कि जो सिंगापुर के जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत टाइट है और उस देश के लोगों की हित के लिए है। तो वो जवान लड़का जो है वो पकड़ा गया और उसका ट्रायल चला। जब ट्रायल चला तो गवर्नमेंट ने उसको 6 केन्स मारने का आदेश दिया। 6 केन्स, केनिंग जो है वो सिंगापुर में एक पनिश वे ऑफ पनिशमेंट है, एक मारने का, एक सजा देने का तरीका है। उसमें क्या करते हैं, केन होती है, बड़ी हार्ड केन होती है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि सिंगापुर में केनिंग क्या होती है, और वो बहुत जोर से पीछे बैक में उनके मारते हैं जिससे कि खाल जो है वो तक उधड़ आती है। और उस जवान लड़के को 6 केन मारने का सिंगापुर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जैसे ही वो रूल, जब वो पनिशमेंट डिक्लेयर हो गया तो पूरी दुनिया में वो अटेंशन हो गया कि अमेरिकन लड़के को सिंगापुर में 6 केन्स मारने का जो है वो ये इशू नोटिस हो गया है। तो क्या हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, और उस समय के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, आई गेट बिल क्लिंटन जो उस समय थे, बिल क्लिंटन वहाँ के
प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सिंगापुर गवर्नमेंट को फोन किया या उनको पत्र लिखा, उनको कहा कि आप उस पर मर्सी करें, उसको छोड़ दें। लेकिन सिंगापुर के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सका और उन्होंने उस अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी डिनाई कर दिया और ये कहा कि दिस इज अ सिंगापुर एंड वी वांट टू फॉलो द लॉ ऑफ सिंगापुर, हम सिंगापुर के लॉ को फॉलो करते हैं। आप भले एक बड़ा देश होंगे, अमेरिका होंगे, लेकिन हमारे देश का कानून ये कहता है। और आप माइकल पीटर फेरे के विषय में अगर आप स्टडी करेंगे तो उसको 6 गेम मारे गए, उसको सजा दी गई। तो क्यों? क्योंकि वो सिंगापुर का लैंड था और सिंगापुर की लॉ को माना गया। अगर आप किसी देश में जाकर कुछ गड़बड़ करते हैं, आप वहाँ के लॉ को तोड़ते हैं, तो वहाँ का लॉ क्या कहता है, इंडिया का लॉ क्या कहता है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वहाँ का लॉ क्या कहता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझिए, आप कहाँ रह रहे हैं, आप परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं। दिस अर्थ, ये अर्थ किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष जाति का नहीं है, किसी विशेष धर्म का नहीं है। दिस होल अर्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नेशन कि इटली, भारत या जापान या इंडिया या बर्मा, टर्की। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल अर्थ जो इस समय जब आप बैठे हैं वो घूम रही है ना, हम घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। मैं कई बार इसको बताता भी हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के विषय में भी मैं बताता हूँ। तो दिस अर्थ बिलोंग्स टू गॉड और यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है वो यहोवा परमेश्वर के हैं। उस परमेश्वर ने हमें क्या रूल्स रेगुलेशन दिए वो हमें समझना है। वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल आपने ट्रेन वाला समझा, जब आप ट्रेन के ऊपर पत्थर मारेंगे तो वो रिवर्ट आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है। आप दूसरा माइकल फेरे के विषय में समझा। और एक मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आती है कि हम लोग जो हैं वो अपनी कमियों को मानते नहीं हैं, अपने पापों को मानते नहीं हैं। हम कहते नहीं, हमसे तो हुआ ही नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे एक घटना याद आती है, आपको मालूम है हमारे देश के एक महानायक अमिताभ बच्चन साहब एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते थे, पेप्सी का ऐड करते थे वो। तो कई दिनों तक वो ऐड चला, अमिताभ बच्चन जी पेप्सी का ऐड करते थे। तो एक बार क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जयपुर आए थे, एक स्कूल का एक फंक्शन था, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, तो उस छोटी बच्ची ने अमिताभ बच्चन से एक सवाल कहा कि सर आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, बट यू एंडोर्स, आप उसको प्रमोट करते हैं, आप एक महानायक हैं और आप कोल्ड ड्रिंक को आप अप्रिशिएट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, ये गलत है। तो आप जानते हैं इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन जो इतने बड़े महानायक हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं और हमारे देश में सभी लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, उन्होंने उस दिन के बाद कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी। आप समझ रहे हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो गलत कर रहे हैं और उन्होंने वो गलत करना छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। शायद उसके लिए उनको क्या कंपनी को हर्जाना देना पड़ा या क्या लॉस हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि अमिताभ बच्चन एक बड़े नायक, एक फिल्म स्टार, एक छोटी बच्ची ने उनसे कहा कि ये गलत है, आप कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट करें गलत है। तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया, मान लिया और छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उन्होंने मान लिया, छोड़ दिया। यही हमें करना है, यही हमें करना है। अब हम एक बीमारी के लिए डर रहे हैं, एक बीमारी माना, ये बीमारी बहुत इसने पूरे संसार में तहलका मचा दिया, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या हम इस केवल सारे लोग इस बीमारी से ही ग्रस्त हैं? और भी बड़ी समस्याएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। व्हाट अबाउट द सेम सेक्स मैरिज, जो सेम सेक्स मैरिज है ये हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा वायरस है, एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ये मत करना। परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई, एक एक, एक पुरुष बनाया, परमेश्वर ने उसको विवाह में जोड़ा, लेकिन आज यूरोप में और कई देशों में लोग जो हैं वो सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं, और अगर इसके प्रति कोई आवाज उठाता है तो वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे राइट्स को, हमारे ह्यूमन राइट्स को चैलेंज कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप देखिए छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो गलत व्यापार में भेज दिया जाता है, वो कौन कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग कौन हैं? तो क्या ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं? और ये वायरस नहीं है, ये बीमारी नहीं है,
ब्राइब की हम बात करते हैं, ब्राइब से बड़ा, घूस से बड़ा कौन सा वायरस है बताइए? इतने काम जो गरीबों के अनाथों के रुके हुए हैं, बिना घूस के काम नहीं देश में हो रहा, समाज में नहीं हो रहा, कैसे होगा? ड्रग्स के विषय में कौन बात करेगा? ड्रग्स ने हजारों लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया, हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्या ड्रग्स एक वायरस नहीं है? क्या वो हमारे देश के कानून के विरोध में नहीं है? आप डिवोर्स रेट को देखिए, हमारे देश में डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा है, हमारे समाज में इतना ज़्यादा है कि आप सोचिए कि कितने परिवार जो हैं बच्चे अनाथ हो गए डिवोर्स रेट की वजह से, परिवार अलग हो गए, परिवार टूट गए, और बहुत सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस, सब चलता है, सब चलता है। कोई बात नहीं, हमें इनकम टैक्स नहीं देना, हमें बचाना है, झूठ बोलना है, रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस हम करें, क्या ये वायरस नहीं है? इसलिए इस सब चीज़ों के बारे में परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है, लिखा कि तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उसके उसके क्या परिणाम होंगे। लिखा है, देखिए आप सुनिए ध्यान से, मैं आपके लिए व्यवस्था विवरण 20 उसका 14 अध्याय पढ़ रहा हूं। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है, लेकिन हो रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं, और यहां तक कि पशुओं के साथ, और मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो पशुओं के साथ सेक्स कर रहा है, और यहाँ तक कि मैंने तो अभी पिछले दिनों शायद एक किसी लड़की का यूरोप से एक आया था कि उसने एक डॉग के साथ में, कुत्ते के साथ में शादी कर ली है। तो ये जो सारी जो विधियां हैं, इन विधियों को, नियम को हम तोड़ रहे हैं, कहाँ? परमेश्वर की दुनिया में। दिस अर्थ बिलोंग्स टू गॉड, हेवन बिलोंग्स टू गॉड। आप परमेश्वर की दुनिया में परमेश्वर के लॉ को तोड़ रहे हैं, नियम को तोड़ रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे, और हमें इन चीजों को झेलना पड़ेगा। देखिए, आपको याद है 23 सितंबर को 22 साल का एक जवान लड़का जू में, चिड़ियाघर में, दिल्ली की घटना है, और वो शेर की मांद में कूद गया, आपको अगर याद होगा। तो क्या हुआ, शेर तो उसके पास में नहीं आया था, लेकिन वो शेर के एक पाले में कूद गया और फिर शेर ने उसको मार दिया। तो मैं उस इंटरव्यू को पढ़ रहा था, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि वो लगातार लोगों को बोलते रहते हैं कि आप इस शेर के पास ना जाएं, पिंजरे के पास ना जाएं, यहां ना खड़े हों। लगातार जो वहां के मैनुअल है, जू के जो मैनुअल है, वो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, आप ये ना करें, इन पशुओं से दूर रहें, ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग एंजॉय करने के लिए वहां पर जाते हैं और मजा लेते हैं। तो जब आप रूल्स को तोड़ते हैं, रेगुलेशन को तोड़ते हैं, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। मैं हमेशा इस चीज को समझाता हूं, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, उस बुक के, उस आइटम के साथ आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, एक बुकलेट मिलती है, उसमें लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, इस चीज को आप कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल ना करें। ठीक इसी तरीके से हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल है, एक मैनुअल है, ये क्या सही है क्या गलत है, ये परमेश्वर का वचन जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ नियम दिए, कानून दिए। देखिए मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूं, और सेकंड फ्लोर पर यहां पर आगे रैलिंग है, बालकनी के आगे एक रैलिंग है, लोहे की जो रैलिंग होती है, वो रैलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस रैलिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई चलते चलते बाहर गिर ना जाए। वो रैलिंग हमारी सुरक्षा के लिए है, वो रैलिंग हमारे लिए बंधन नहीं है, वो रैलिंग हमारे लिए कोई जेल नहीं है, लेकिन वो रैलिंग हमारे लिए एक सेफ्टी है कि हम नीचे ना गिर जाएं, या बच्चे नीचे ना गिर जाएं। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर के डूज एंड डोंट्स, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो हमारे लिए एक रैलिंग है, वो हमारी स्वतंत्रता को रोकने के लिए नहीं है, हमें बांधने के लिए नहीं है, हमें मारने के लिए नहीं है, लेकिन इसलिए है ताकि हम उस चीज में बने। हम अपने बच्चों को भी तो मना करते हैं कि बेटा ये प्लग में उंगली मत डालना, या ये दूध ठंडा है इसको थोड़ा ठंडा करके पीना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जानते हैं। तो डूज एंड डोंट्स सही क्या है, होमोसेक्सुअल कहां से आ गया, हम देखते हैं ब्राइब, घूस लेना, मर्डर करना, गाली देना, झगड़ा करना, रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस करना, ये सब आप कहां कर रहे हैं, ये सब आप परमेश्वर की दुनिया में कर रहे हैं। इस चीज को आप मानिए, हमें इस चीज को मानना, वी हैव टू, लाइक अमिताभ बच्चन ने मान लिया कि कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टिजमेंट गलत है, एंड आई शुड नॉट कंटिन्यू टू एंडोर्स द कोल्ड ड्रिंक्स एडवर्टिजमेंट, एंड ही कैंसल्ड हिज असाइनमेंट। ठीक इसी तरीके से आपको और मुझे मानना है, सबसे पहले वी हैव टू फील दैट हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम वो सारे काम, अभी तो पूरी लिस्ट है, अगर मैं पूरी लय व्यवस्था को पढ़ने लगूं या निर्गमन को पढ़ने लगूं तो बहुत लंबा ये संदेश हो जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। देखिए लिखा, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना,
ये परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर जो पवित्र है उसकी कोई मूर्ति नहीं है। भारतीय दर्शन शास्त्र में भी लिखा है अंदरम प्रवशंत समो उपासिते न तस् प्रतिमास्ति यश नाम मदस। परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, उसका उसका सिंहासन स्वर्ग में है और सब जातियां परमेश्वर को दंडवत करें, ये परमेश्वर का आदेश है। हम उसकी स्टैचू नहीं बना सकते। लिखा हुआ है कि सुनिए ध्यान से, तू उसको दंडवत ना करना ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। ये जलन कौन सा जलन है आप समझिए, ये वो जलन नहीं है जो हम अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं, ये वाला जलन नहीं है। ये एक वो जलन है जैसे एक एक आदमी है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी अगर कहीं और जाएगी तो उस आदमी को जो जलन होगी उसको, क्योंकि वो वाइफ उसकी है, वो उसके लिए वाइफ है, ये वो वाली जलन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो आप इन बातों को समझिए, इन बातों को आप समझिए कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़ी आसानी से, बड़ी ही आसानी से तोड़ रहे हैं। एवरी डे वी आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ गॉड। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जब हमारा देश भारत देश आज़ाद हो गया तो हम सब आज़ादी तो चाहते थे और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी और खून बहाया, कितने लोग मर गए और अंततः हमारे देश को आज़ादी मिल गई। यही सब तो हम चाहते थे और हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन फिर क्या हुआ, उस आज़ाद देश में थोड़े दिनों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया, हम तो आज़ादी चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गया। जी हाँ, आपको यही समझना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट। नहीं तो सड़क पर चलने के नियम क्या होंगे, कोई चीज़ खरीदने और बेचने के नियम क्या होंगे, फिर तो कोई किसी को लूट सकता है, मार सकता है, चोरी कर सकता है, किसी के लिए कोई पकड़ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया जाता है। बाइबल सेज द वर्ड ऑफ गॉड सेज एवरी गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम लॉर्ड। सब अच्छी चीज़ें परमेश्वर की ओर से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन परमेश्वर की ओर से। क्या सही है क्या गलत है परमेश्वर से बेहतर कौन जानता है। मुझे बताइए आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, आपसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए आपको समझना होगा, हमें उस पाप की डेफिनेशन को समझना होगा, पाप क्या है, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे हम बुराई कर रहे हैं, कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, मैं 8 साल का था और अपने पापा के साथ, उस समय हमारे पास ना कार थी ना मोटरसाइकिल थी, हम सब्जी लेने के लिए, वेजिटेबल लेने के लिए मार्केट साइकिल से जाते थे। तो मैं हमेशा अपने पिताजी के साथ आगे साइकिल पर बैठता था और मेरे पिताजी बाजार जाते थे। तो क्या हुआ, एक दिन हमने सब्जी खरीदी और मेरे जब पापा जी हम लोग घर आए, मम्मी ने, मेरी मदर ने जब बैग खोला तो उन्होंने देखा बहुत सारी अदरक जो है वो उस बैग में, बहुत सारी अदरक है। तो मेरी माँ ने पिताजी से पूछा कि आप इतनी सारी अदरक क्यों ले आए। तो पिताजी बड़े आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा कि मैंने तो अदरक आई थिंक खरीदा ही नहीं, अदरक तो वो लिस्ट में ही नहीं था। तो क्या हुआ, फिर ये अदरक कहाँ से आ गया। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे लगा मुझे बड़ी शाबाशी मिलेगी क्योंकि मैं बहुत सारा अदरक चुरा के लेकर आया था, तो बड़ी मेरी तारीफ होगी और मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। तो उसके लिए मुझे डांट पड़ी, उस अदरक चुराने के लिए मुझे डांट पड़ी और मुझे पहली बार पता चला कि गलत है। गलत क्या है सही क्या है, इस बात का स्रोत परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी थी कि तुम ये ना करना, ये ना खाना, उधर ना जाना, इस चीज़ को ना छूना। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो पर हम कॉन्सिक्वेंसेस को अलाउ कर रहे हैं। अगर आप आग को छुएंगे तो क्या होगा, आप आग को छुएंगे तो क्या होगा, आप जल जाएंगे। एंड बाइबल सेज गॉड इज अ होली फायर। हम हमेशा परमेश्वर के बेहतरीन चित्र को देखना चाहते हैं। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, आंसुओं को पोंछने वाला है और वो हमारे लिए उपाय, ये सब बेहतरीन परमेश्वर के बारे में अच्छी बातें हैं। लेकिन ये सुनना नहीं चाहते कि परमेश्वर क्रोध करने वाला है, परमेश्वर जो है वो दंड देने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, या परमेश्वर जो है वो बदला लेने वाला परमेश्वर। हम तो परमेश्वर क्यों बदला लेगा, परमेश्वर तो महान है, अगम्य है, वो तो पवित्र है और प्यार करता है, वो बदला कैसे लेगा। लेकिन आपको गॉडली प्रिंसिपल को समझना है, परमेश्वर के कैरेक्टर को समझना है। यानी कहा है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, ही नोज एवरीथिंग। आप और मैं जो कर रहे हैं परमेश्वर उसे जानता है, चाहे हम उसे जानबूझकर करें या बेवकूफी में करें। गॉड नोज एवरीथिंग, ही इज ए ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनीशियंट गॉड। मैं इसका आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं और मेरी पत्नी हम अमेरिका के, हम शिकागो एयरपोर्ट पे थे और हम फ्लाइट का वेट कर रहे थे बाहर, अभी फ्लाइट में करीब 2 घंटे थे। तभी हमारा एक फ्रेंड जो है वो हमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आया
और वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया, एक गिफ्ट लेकर आया। और हमने क्या किया कि उस गिफ्ट को हमने अपने हैंडबैग में रख लिया, हमने उसके सामने उस गिफ्ट को नहीं खोला, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का गिफ्ट किसी के सामने हम खोलने लगे, क्या है आप सब जानते हैं। तो क्या हुआ कि हमने उसको बैग में रख लिया, और हम जब ट्रेन जब फ्लाइट का समय हो गया तो हम जाने लगे। तो स्क्रीनिंग से हम जब निकल रहे थे, जब जहाँ सामान चेक होता है, जब हम वहाँ से निकल रहे थे, तो एक पुलिस ऑफिसर ने उस मेरे सामान को रोक लिया, पूछा ये किसका बैग है। तो मैंने कहा दिस इज़ माई बैग, मेरा बैग है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि डू यू नो वॉट यू आर कैरिंग, उन्होंने मुझसे पूछा आप जानते हैं आप इसमें क्या ले जा रहे हैं। तो मुझे तो अपनी चीज़ें पता थी कि मैं क्या ले जा रहा हूँ, लेकिन स्ट्राइक किया कि हाँ वो गिफ्ट उसमें रखा है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ आई नो एवरीथिंग बट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, क्योंकि ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अभी भी यहीं एयरपोर्ट पे गिफ्ट दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इस गिफ्ट को खोल के देखिए इसमें क्या है। तो जब मैंने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें ना आप जानते हैं जो स्पून और नाइफ का जो कटलरी सेट होता है, उसमें फोर्क होते हैं, पूरा सेट होता है, वो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था एयरपोर्ट पे। तो हम जानते हैं कि हम उसको नहीं ला सकते, चैनल से क्रॉस नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट कीप इन योर हैंड बैग। उन्होंने कहा पास्टर आपको नहीं मालूम इसमें क्या है, आप इसमें ले जा रहे हैं, चलिए मैं आपको जाने देता हूँ। एंड ही अलाउड मी टू गो, उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन मैं पूरे रास्ते ये सोचता रहा, पूरे दिमाग में चलता रहा कि ये जो मशीन है, आप इस मशीन को धोखा नहीं दे सकते। आपके पास अगर एक छोटा सा भी ब्लेड होगा या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी जो जो उस रूल्स के खिलाफ मेटल होगा, आप उस मेटल को नहीं ले जा सकते। तो आप सोचिए कि अगर वो मशीन उस मेटल को क्रॉस नहीं करने दे सकती, तो परमेश्वर जो महान है, अति पवित्र है, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा है इब्रानियों 4:13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इब्रानियों 4:13 में सब वस्तुएं उसके सामने खुली हैं। तो आप उसे कैसे धोखा दे सकते हैं, आप उसे कैसे चकमा दे सकते हैं। वो तो हमारे बनने के समय को भी जानता, जब वो माँ के गर्भ में बन रहे थे। इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि हमारे मनों को हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। तो कैसे हम उस परमेश्वर को क्रॉस कर सकते हैं, कैसे हम उस परमेश्वर से बच के निकल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका न्याय हमारे पीछे आएगा, चाहे वो किसी रूप में आए। देखिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्या ये समस्या परमेश्वर ने भेजी है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है। हमें याद रखना पड़ेगा कि परमेश्वर एक पवित्र आग है और कोई भी बुराई उस परमेश्वर से बच नहीं सकती। सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ सिन। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मा पृथ्वी को, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दिया। ही इज अ सेम गॉड जिसने जल प्रलय में सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया, जिसने सदोम और अमोरा का नाम नक्शा हटा दिया, वही परमेश्वर आज भी है। और वही परमेश्वर बार बार मुझे और आपको मौका दे रहा है कि हम मन फिरा लें, अपने पापों को मान लें और छोड़ दें। मैं फिर एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने केवल माना नहीं कि हाँ एडवर्टाइजमेंट करना गलत है, लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करना, कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट करना अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर को, ये एक उदाहरण है, उपमा है, मैं आपको बता, जैसे यीशु मसीह उदाहरणों में बात करते थे, इसलिए आई लव टू गिव एग्जाम्पल्स। उन्होंने मान लिया और छोड़ दिया। फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ माइकल फे के विषय में, कि अमेरिकन लड़के ने सिंगापुर में गलती की। सिंगापुर का लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द, कोई मर्सी नहीं, कोई दया नहीं, लॉ क्या कहता है। इसीलिए अभी पिछले दिनों हमारे देश में एक बहुत बड़ा जो है, एक जो केस पेंडिंग था, बहुत सालों से पेंडिंग था, उन 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। कई बार कोशिशें की गई, कई बार समाधान निकालने की कोशिश, वकील पक्ष इधर उधर सब कुछ, आप सब जानते हैं, मुझे उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की, लेकिन अंततः न्याय हो गया। ठीक इसी तरह परमेश्वर का तराजू परमेश्वर के हाथों में है, और वो संपूर्ण पृथ्वी का न्याय करेगा, जाति जाति के लोगों का न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति को। जैसे मैंने आपको बताया, उस मशीन में से कुछ भी बच के नहीं निकल सकता। उस मशीन में अगर आपके पास मेटल है तो वो आपको पकड़ लेगी, आपको आपको आगे नहीं जाने देगी। मुझे याद है मैं स्वीडन में था, और स्वीडन में मेरे पास कुछ कॉइन्स रह गए थे, और मैं बड़ा खुश था, बड़े एंजॉय से निकल रहा था, और सडनली वो बीप बजने लगी, ज़ोर ज़ोर से बीप बजने लगी। तो स्वीडन में एयरपोर्ट में बताई, तो वो मशीन ने मुझे पकड़ लिया, और उन्होंने
पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे चेक किया और मैंने मैंने इस चीज को मान लिया कि मेरे पास में जो है वो ये कॉइन्स गलती से मेरे पास में आ गए। वो तो कॉइन था, आप सोचिए कि वो छोटे छोटे कॉइन थे, लेकिन कोई ड्रग्स लेके या वहां से इलीगल कोई चीज लेके, गोल्ड लेके या डायमंड लेके नहीं निकल सकता। आप शार्प ब्लेड लेकर, बंदूक लेकर उस मशीन से नहीं निकल सकते, वो मशीन आपको पकड़ लेगी। ठीक इसी तरह परमेश्वर की आंखें जो हैं वो इस मशीन से बड़ी हैं, तेज हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम माँ के गर्भ में बन रहे थे, वचन संहिता 139:16 में लिखा है, हम बन रहे थे कि खड्डी जब बन रही थी, दिल की धड़कनें बन रही थी, परमेश्वर देख रहा था। मेरे प्रियो, बाइबिल को पढ़ें आप, परमेश्वर के वचन बाइबिल को पढ़ें। जितने लोग नहीं जानते हैं बाइबिल क्या है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जाएं अपने किसी मित्र से मिलें। पर बाइबिल कोई रिलीजियस बुक नहीं है, कोई धार्मिक बुक नहीं है। इस बुक ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की पुस्तक है जिसमें सही और गलत का भेद बताया गया है। सही क्या है, गलत क्या है, ये बात आपको परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मुझे बहुत दुख हुआ जब पिछले दिनों मैंने एक लड़की को देखा, उसने एक डॉग के साथ शादी कर ली, या होमोसेक्सुअल लोग कर रहे हैं, या फिर गे जो है वो मैरिज हो रही है, और फिर आप कहते हैं कि सब ठीक है क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास डिग्री है, आप बच जाएंगे, आप बुद्धिमान हैं, आप किसी पद पर हैं, बच जाएंगे। नहीं बच सकते, मनुष्य के लॉ से बच सकते हैं, मनुष्य आपके लिए लॉ को बदल भी सकता है, लेकिन परमेश्वर का लॉ मनुष्यों के लिए नहीं बदला जाता। आज भी वो वही पवित्र परमेश्वर है। इसलिए मैं अगर 100 बार कहीं प्रचार करता हूं तो मैं बिना परमेश्वर के आगे नहीं बढ़ता। ही इज अ होली गॉड, इज अ कंज्यूमिंग फायर, वो एक आग के समान है और हर एक व्यक्ति को उस आग में से निकलना पड़ेगा एवरी मैन। रही बात इस कठिन समय में, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप समझिए इस बात को, इस तरीके से समझिए कि कोई वैक्सीन या कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट हमें बचा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश के डॉक्टर और मैनेजमेंट और हमारे देश की सरकार जो है सब इस चीज़ को संभालने में, एक एक वैक्सीन से हम बच सकते हैं या उससे, लेकिन अंततः एक दिन हमें इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है। बाइबल कहती है फ्रॉम डस्ट यू आर एंड फ्रॉम डस्ट यू शैल रिटर्न, आप मिट्टी से निकले और मिट्टी में एक दिन हमको जाना ही है। कोई वैक्सीन, कोई दवाई, कोई डॉक्टर हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता, और उसके बाद जब हमारा प्राण निकलता है, हम परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे, तब हम किससे कहेंगे, क्या कौन सी डिग्री दिखाएंगे, हम क्या परमेश्वर से बचने के लिए क्या उपाय होगा हमारे पास। इससे प्रियो, ये समय है, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि समय बहुत निकट है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, किताबें हैं, एंड टाइम है, मुझे नहीं मालूम। मैंने बस एक चीज़ सीखी है कि प्रभु का आना जब है वो तय है, लेकिन अंश अंश करके हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो भी एज है, 39 है, 40 है, 45 है, 50, हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर ढल रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं, और एक दिन हमें इस संसार से जाना है, एक दिन हमें इस परमेश्वर के सामने खड़े होना है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, गॉड हैज कॉल्ड अस टू ओबे। यद्यपि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नए नियम में ओबीडियंस नहीं है, बिल्कुल है। यीशु ने कहा, इफ़ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड, यू विल कीप माई कमांड, और वो कमांड्स क्या हैं, प्रभु ने सब बातों को एक में समरी कर दिया कि लव, बिल्कुल ठीक बात है। पर जब हम लव को प्रैक्टिस भी तो करें ना, रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, हम धोखा दे, एक व्यक्ति ने पार्क कर दिया पार्किंग कार के लिए, उसको नहीं मिली, दो लोग कार में से उतरे, उसने गोली मार दी, ये सब बातें क्या, ये सब बातें हमें अंधकार की तरफ ले जा रही हैं, झूठ की तरफ ले जा रही हैं, हमें पाप की तरफ ले जा रही हैं। हमें परमेश्वर की ओर लौटना है, उस बुद्धिमान परमेश्वर की ओर जिसके पास हमारे लिए योजना है, उसके पास लौटना है। और अंत में जब मैं इस संदेश को ख़त्म करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, द अर्थ बिलोंग्स टू गॉड, दिस अर्थ बिलोंग्स टू एवरीथिंग इन इट, जो कुछ इस पृथ्वी में है और जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ परमेश्वर का है, और हमें एक दिन उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, एक दिन हमें न्याय में खड़ा होना है। आप सब जानते हैं, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, बस यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि इस संसार में पाप बहुत बहुत चरम सीमा पर बढ़ गया है, और हम मसीह लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और उस परमेश्वर के पास लौटें। उड़ाऊ पुत्र के समान, उड़ाऊ पुत्र ने मान लिया कि उसने गलत किया है,
उसने धोखा दिया है एंड ही केम बैक टू हिज फादर। ठीक इसी तरह समय हमारे लिए कि हम परमेश्वर के पास लौटें, माने हमारी अपनी गलतियों को, हम अपने झूठ को माने और छोड़े, किसी पे आरोप ना लगाए, दूसरों पर आरोप ना लगाए, दूसरों की हम आँख का लट्ठा ना देखें और अपना लट्ठा देखें पहले कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन में कौन कौन सी बुराई है। तो इसी बात के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दिस इज ए बुक ऑफ लॉ, इसमें मुझे कहते समय कोई शर्म नहीं है। दिस इज ए बुक ऑफ लॉ, इसमें परमेश्वर के जो नियम है वो हमारे लाभ के लिए, हमारी उन्नति के लिए, परमेश्वर के जो परमेश्वर ने जो हमारे संग वाचा बांधी उसमें हमारे लिए नियम है। ये बिल्कुल उस फेंसिंग के समान है जो मेरी सेकंड फ्लोर पर है, जिस पर इसलिए लगाया गया ताकि कोई गिर ना जाए। ठीक इसी तरीके से अगर परमेश्वर किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, वी हैव टू ओबे गॉड। और मुझे विश्वास है कि जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा और एक दिन हम उस परमेश्वर को बादलों पर देखेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, इस समय में आप अधिक से अधिक परमेश्वर को जानें और उस परमेश्वर के बातों को और गहराई से जानें। अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ कुछ प्रकाशन अगर आपको मिलता है आप जरूर बांटें, ऑडियो वीडियो में उसे लोगों के साथ रखें। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है और ये समय निकल जाएगा। आप सबको जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।